पहला बार इसमें क्या देखेंगे हम पूछने वाले विकास भाई से, बताओ। हनुमान चालीसा देखेंगे। हाँ, अरे 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 ऑलरेडी इस मंथ का खर्चा है ना बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, 2 लाख के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। लड़कियों को चिकन तो पसंद नहीं है पर आज मेरे हाथ खा रहा है तो आज पूछते हैं कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बता। लैपटॉप का पलट गया, टेंशन नहीं है इसको। चाचा भी रहा है क्या? मेरे को ना फ्लिपकार्ट पे भैया पे गुस्सा आया क्योंकि लैपटॉप्स बहुत सारे वहाँ पे। मेरी वाइफ को भी लेके आता हूँ। ये रहा बिल्डिंग नंबर 33, इसमें ही है 401 में। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फाइनली मेरा लैपटॉप आने वाला है तो मैं सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए, ब्लॉग से शेयर किया जाए। वैसे ही मैं काफ़ी दिन से व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था एंड मैंने जो व्लॉग्स बनाए हुए थे उसको बहुत डिले में अपलोड कर रहा था। मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ है एंड आज से 2 वीक ऑलरेडी हो चुका हुआ है तो मेरे को अभी एडिट मारना है उसको एंड अपलोड करना है। तो एंड आज हमारा कॉलेज है 9 ही बजे से है एंड अभी है ना 7:30 ऑलरेडी हो रहा है तो हमको है ना आधे घंटे में निकलना पड़ेगा क्योंकि ना आराम से जाते हैं ना तो ठीक रहता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो एक तो यहाँ से है ना 20 मिनट हमको लग जाता है कॉलेज के गेट तक पहुँचने में एंड फिर कॉलेज के गेट जहाँ पे हमारी क्लास लगती है वहाँ तक जाने 20 मिनट और लग जाता है, यानी 40 मिनट्स मांग के होता है। तो ठीक है, अभी है ना मैंने ब्रश कर लिया है, मुझे नहाना है अभी एंड मैं अपने कपड़े निकाल लेता हूँ, बॉटल को भर लेता हूँ पानी वानी एंड फिर चलते हैं हम। मैं सोच रहा हूँ आज ये है ना टी शर्ट पहनने वाला हूँ एंड इसके साथ ये ब्लैक जीन्स पहनने वाला हूँ। हाँ, काफ़ी दिन से ना मुझे ना आर्म स्लीव्स ही पहनने का मन कर रहा था तो आज पहन के देखते हैं क्योंकि इस पर ब्लैक जीन्स है तो ब्लैक आर्म स्लीव्स काफ़ी कूल लगने वाला है तो निकालते हैं उसको ट्राई करते हैं। सो ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द डे एंड इसके साथ मैं ये वाला जूता पहनने वाला हूँ। हमारी सारी सब्जियां भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हुई है पर है ना पगवारा जाएंगे हम लोग एंड फिर वहाँ सब्जी लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ना यहाँ सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं, लगता है कि सोने की सब्जी बनती है। जो हम वहाँ से लास्ट टाइम हम गए थे सैटरडे को तो वहाँ से है ना हम लेकर के आए थे 180 रुपये का सब्जी, बहुत सारे लेके आए थे, आधा आधा किलो सब सब्जी लेके आ गए थे एंड 2 किलो खीरा लेके आए थे, वो 180 का पड़ा था। अगर वही हम ना यहाँ पे लिए होते कॉलेज के आसपास तो फिर है ना हमको 400 के ऊपर चला गया होता, इतना ज़्यादा यहाँ पे महंगा सब्जी है। अब हफ्ते में एक बार जाते हैं पगवारा एंड वहाँ सब्जी ले आते हैं क्योंकि है ना यहाँ पे लेंगे ना तो लूट जाने वाला है इसके लिए। एक्चुअली आज है ना अजहर खाना बना रहा है क्योंकि आज मेरा झाड़ू पोछा एंड बर्तन मांजने का टर्न था एंड अजहर का खाना बनाने का मेरा काम हो चुका हुआ है, अभी बस खाना वाना खा लेंगे तो बर्तन जो होगा तो उसको मेरे को धोने का है। अभी रेडी होता हूँ एंड फिर मैं मिलता हूँ आपसे। 2000 years later. Finally guys, मैं रेडी हो चुका हूँ एंड निकल चुका हूँ। 8 बजे घर से निकलना था बट 8:20 ऑलरेडी हो चुका हुआ है एंड 9 o'clock हमारी क्लास है एंड फिर ऊपर से आज जो क्लास है ना वो 9th floor में है 901, तो और भी ज़्यादा हमको लग रहा है कि लेट हो गया, जल्दी से भाग के जाना पड़ेगा अभी। तो इसके लिए मैंने ड्रेसेस पहन लिए हुए जो मैंने निकाले थे ऑलरेडी, बस अब जल्दी चलते हैं एंड कैंपस के अंदर तो पहुँच चुके हैं, अभी हमको चढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा ऊपर। बहुत दिख रहा है ना हमको वहाँ पे कहीं जाना है ऊपर एंड ये रहा पूरा बड़ा। बस 10 मिनट बचा हुआ है एंड 10 मिनट जल्दी से हमको क्लास में जाना है और अटेंडेंस मिस हो जाएगा। सो, इतना हमने ऑलरेडी चल लिया हुआ है नीचे तक। वो रहा हमारा क्लास 907, इसमें हमारा क्लास। अभी 5 मिनट बचा है हमारे पास बस। So, फिलहाल हमें इतने ऊपर अभी एंड वहाँ नीचे जाना है हमको। अभी हमें 9th floor में एंड हमको दूसरे बिल्डिंग में जाना है की लेने के लिए, मतलब रूम का की नहीं मिलेगा एंड जो रूममेट हमारा उसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा फिर की नहीं ले पाएंगे, तो पहले जल्दी चलते हैं एंड की लेते हैं, मिल जाए। तो ये रहा 32 है एंड आई गेस इसके बगल में उधर 33 होगा, जल्दी चलना है। तो ये रहा बिल्डिंग नंबर 33, इसमें ही है 401 में, वो की मिल जाए वरना बाहर रहना पड़ेगा यार हमको। जल्दी 9th floor से नीचे आया, अभी फिर से 4th floor जाना है। 33 का 401 आई गेस यहाँ पे आएगा, वो अभी आया नहीं है यहाँ पे, वो वहाँ पे खड़ा है अपने क्लास में एंड ये रहा की। मैं लैपटॉप लॉग इट ऑलरेडी आ चुका हुआ है, मेरे को यहाँ से 20 मिनट कम से कम लगेगा जाने के लिए वहाँ पे, तो अभी निकल गया हूँ एंड रास्ते में पहले मेरे को कॉल आ गया था किसी का काउंसलिंग के लिए, तो बोल रहे थे कि ना आपको बेटे को जॉब लग जाएगा ऐसा वैसा। यस, हाँ यस को जॉब मिल जाएगा फिर। अच्छा, मीन्स 20,000 सैलरी भी मिलेगा फिर। उसको लेके साथ में आता हूँ, वो थोड़ा ऐसे लूज टाइप का है ना, भूल जाता है सब। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, मेरी वाइफ को भी लेके आता हूँ फिर।
हाँ हाँ कर दो कर दो। ठीक है हाँ हाँ आ जाऊँगा मैं, फ्री रहूँगा। हाँ ठीक है, तो मैं एक बार वापस से कंफर्म करता हूँ मेरी वाइफ से और यहाँ से। ठीक है गाइज मुझे पता है मुझे उनसे मजाक नहीं करना चाहिए था, बट वो लोग बार बार कॉल कर दिमाग खराब करते हैं ना, इसके लिए ऐसे करना ही पड़ता है मजबूरी में। मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हुआ हूँ, यहीं पे कहीं आया है, यहाँ पे शायद कहीं पे आया हुआ है, उनसे मुझे बात करना पड़ेगा अभी, यहाँ पे ही है। लैपटॉप मिल चुका हुआ है, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था क्योंकि मैं है ना यूनिवर्सिटी गेट पे था एंड लैपटॉप मेरे यहाँ लॉ गेट पे आया हुआ था, जो कि आने में समथिंग ना 15 मिनट कम से कम लग जाता है। तो मेरे को टेंशन नहीं रहता कि है ना भैया कहीं ना लेके यहाँ से निकलना जाए एंड फिर वहाँ पे चले गए एंड मैं यहाँ पे आ गया तो फिर मुझे उतना दूर जाना पड़ेगा एंड फिर आना पड़ेगा, तो टेंशन एक अलग हो रहा था। ऊपर से एक लैपटॉप का केस था तो थोड़ा ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा था मैं। मेरा पीजी है ना वहाँ पे, एक्चुअली अपार्टमेंट है। मेरा लैपटॉप आया हुआ है एंड सेम टू सेम है ना, कल मोनू का लैपटॉप भी आ जाएगा, तो एक्चुअली इसका एक दिन है ना लेट ऑर्डर हुआ था, इसके लिए कल इसका भी आ जाएगा, फिर मस्त मजे करने वाले हैं हम लोग। फिर अजहर का भी कुछ दिन में आ जाएगा, उसने अभी ऑर्डर ही नहीं किया है। मेरे को ना फ्लिपकार्ट वाले भैया पे गुस्सा आया क्योंकि लैपटॉप्स बहुत सारे वहाँ पे साइड में रखे हुए थे, तो वो जब ऐसे लैपटॉप निकाल रहे थे ना, मेरा लैपटॉप ऑलमोस्ट नीचे था तो बाकी ऊपर के लैपटॉप मैंने फेंकते जा रहे साइड में, ऐसे लग रहा है कि कुछ ऐसे ना पिल्लो वो टाइप का है, मतलब जो खरीद रहे लैपटॉप उसको पता है कीमत कितना है, आप रफली फेंक रहे हो ऐसे उसका मतलब क्या है, आपके लिए कुछ नहीं है बट हमारे लिए तो है। मेरे को देख के एक्चुअली ये नहीं लगा कि दूसरों का लैपटॉप हो रहा है, ऑफकोर्स किसी ना किसी लैपटॉप ही है ना, लैपटॉप आप निकाल रहे हो बट बाकी का लैपटॉप ऐसे फेंक रहे हो, कुछ हो जाता है तो एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप नीचे था, मेरे ऊपर वाले जितने भी लोग के लैपटॉप है अगर नीचे वाले और भी आएंगे तो आप हर बार ऐसे फेंकते रहोगे तो लैपटॉप क्या हाल होगा बताओ अभी। सो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए फ्लिपकार्ट वाले को। हमारा अपार्टमेंट 406 कि हम बार बार भूल जाते हैं निकालना, तो अभी निकाल लेता हूँ। तो अभी है ना मेरा एक दोस्त आने वाला है, आ भी गया, ये देखो ये है विकास इन द हाउस, तो दर्शन करने के लिए विकास आ गया हमारे साथ। ये भी पता है कहाँ से है, देवरिया से ही है, उत्तर प्रदेश से जहाँ से मैं हूँ, है कि नहीं? ये तो शर्मा किस बात कर रहा है, दोनों एक जगह से, तो दोनों मेरे को पार्टी देने वाले हैं। ये थोड़ा पगला आ गया भाई, दोनों मिलके इसको कूट देंगे ना, अभी सही हो जाएगा थोड़ा। सो गया है, लैपटॉप चला रहा है, इधर मेरे को लग रहा है कि लैपटॉप गिर गिर ना जाए, उसको टेंशन ही नहीं है कुछ चीज़, लैपटॉप आराम से इधर सो के पड़ा हुआ है। पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी थोड़ी है, वही बहुत पैसा है। मैं कहा लैपटॉप ऑफर पे लेंगे तो क्या कह रहा है, ऑफर नहीं चाहिए, पैसा बहुत है मेरे पास, मेरा सही है इसको। इधर मैं देखो डब्बे पर रख करके आराम से इज्जत से बैठ के चला रहा हूँ, इसको देखो सो गया आराम से, लैपटॉप पलट गया, टेंशन नहीं है इसको, सही है, ऐसा ही चाहिए था। कुछ भी फाइनली खुल चुका हुआ है, तो पहला बार इसमें क्या देखेंगे हम, पूछने वाले विकास भाई से, बताओ भाई क्या देखना है? हनुमान चालीसा देखेंगे। हाँ अरे 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 हनुमान चालीसा देखेंगे, अच्छा वैसा देख रहा था। हाँ चलो ठीक है फिर, हनुमान चालीसा लगाया जाए लैपटॉप में एंड बजाया जाए। ये रहा स्टार्ट हो चुका है हनुमान चालीसा, ज़्यादा नहीं बजाता वरना कॉपीराइट दे देंगे ये लोग, बस इतना ही काफ़ी है व्लॉग के लिए। अभी इसका लैपटॉप पहले पूजा कर लेते हैं फिर कुछ भी करेंगे, एंड इसने भी लैपटॉप लिया था पूजा नहीं किया तो इसके लैपटॉप भी करते हैं, दोनों लैपटॉप का साथ में पूजा हो जाएगा। वहाँ पे वो इनसिक्योर हो रहे हैं लैपटॉप की वजह से, और यहाँ पे ही है जहाँ पे उनको है ना, जहाँ पे उसमें उनको है ना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए वहाँ पे होता है, और जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं होता है, उनका ऑपोजिट चलता है। भाई घर चला जाएंगे। हाँ ये बात तो है।
गाइस, सो फाइनली पूजा एंड ऑल सब कुछ हो चुका हुआ है। हमको अभी याद आ रहा है कि है ना कुछ मीठे में लेके ही नहीं आए मिठाई उठाई, तो फिर सोच रहा हूँ कि अभी धूप बहुत ज़्यादा है, जो दोपहर है तो अभी नहीं, शाम को फिर जब मैं वापस से पूजा करूँगा ना तो मिठाई चढ़ा देंगे शाम को ला करके। मोतियों का लड्डू मंगाऊंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आपको तो है ना लैपटॉप प्राइस बताया नहीं कितना है, मैं ना आपको दोनों लैपटॉप प्राइस ही बताता हूँ। गाइस कितने का लिया था लैपटॉप? 72,400। इंग्लिश में बता दो, मुझे हिंदी में गिनती नहीं आती है ना इसके लिए। 72,400। अच्छा ये है 72,400 का, एंड मेरा मेरे को पड़ा ये 45 का। ये ना डेल का है एंड मेरा MSI का है। अगर आपको चेक करना हो ना लैपटॉप डिटेल्स तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, अगर आपको देखना आप एक बार चेक कर लेना। एंड विकास ने तो लैपटॉप है ना यहाँ से जो यूनिवर्सिटी का मॉल है यूनी मॉल LPU का, वहाँ से लिया हुआ है लैपटॉप जा करके, वहीं से गेम खेलना से स्टार्ट भी हो चुका हुआ है मस्त। ये तो बच्चे खेलते वही वाला है ना, शुरू करा मैंने वही, कोई ना पहले ये गेम खेलेगा फिर बाद में BGMI फ्री फायर सब डाउनलोड हो जाएगा इसमें धीरे धीरे। अब सेकंड जो वीडियो मैं देखने वाला हूँ वो मेरा ऑफ कोर्स ब्लॉग होने वाला है, तो मैं खुद का ही ब्लॉग अब मेरे लैपटॉप में देखने वाला हूँ। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, मैं सोचा कि गिफ्ट क्या रख दूँ, बाद में मैं सोचा कि मम्मी को ना केक बना गिफ्ट करता हूँ। 3 hours later. गाइस सो फाइनली अब 5 बज चुका हुआ है, सबके सब है ना लेट गए थे आराम कर रहे थे, एंड फिर मैंने बताया था कि लड्डू शाम को लेके आएंगे, तो अजहर चुप रहना थोड़ा, अजहर कॉलेज से आ रहा था, अजहर कॉलेज से आ रहा था, मैंने उसको कॉल किया कि मिठाई लेते आना, बट वो दुकान में देख के आया उसको नहीं मिला, एंड फिर सुपर मार्केट में घुस गया ना, बोल रहे हैं यहाँ पे लड्डू नहीं मिल रहा है मेरे को, मुझे लड्डू खाने थे। मैं बोला अरे यार यहाँ कहाँ से मिलने वाला है, बोला तू वापस आ जा मैं जोमेटो कर रहा हूँ, तो मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया हुआ है एंड 20 मिनट में आने वाला दिखा रहा है, तो अभी 20 मिनट वेट करते हैं, लड्डू फिर आ जाने वाला है। ऑलरेडी इस मंथ का खर्चा है ना बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, 2 लाख के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, 2,20,000, क्योंकि इसी महीने में हमने ना स्कूल फीस भी पे किया था अपना, फिर लैपटॉप भी ले लिया एंड घर का जो रूम रेंट हुआ था वो सब भी मैंने ही दिया, फिर बाद में राशन का खर्चा भी था इस बार मैंने ही पे किया है, एंड सब कुछ मिला करके और भी कुछ कुछ चीज़ थे समथिंग हमने ऐड किए थे, मेरा अकेले का तो इतना ज़्यादा ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हुआ है। एक्चुअली फर्स्ट मंथ था तो फिर हो गया ही, क्योंकि हमको यहाँ पे शिफ्ट होने में भी सामान मान की जरूरत थी। तो ये रहा गाइस मेरा लड्डू आ चुका हुआ है, अब जाके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, क्वालिटी देखना पड़ेगा। मेरे को ये पड़ा है 59 रुपीज़ का, 250 ग्राम, देखते हैं टेस्ट कैसा है, आई होप सो फ्रेश हो एंड टेस्ट अच्छा हो, तो फ्यूचर में फिर मैं कभी जोमेटो से जरूर मंगाने का ट्राई करूँगा। ये रहा लड्डू एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस, उतना भी ख़राब नहीं है एंड ठीक ठाक ही है, ज़्यादा पुराना भी नहीं लग रहा है, फ्रेश ही लग रहा है ऑलमोस्ट मेरे को तो। इसको पहले है ना चढ़ा देते हैं एंड फिर खाएंगे। मेरा स्वाजर आ चुका हुआ है, इतना लेट आया, अजहर बता लेट क्यों आया इतना? मिठाई खोज रहा था। ये मिठाई खोज रहा था, हम इसको बोले पहले मिठाई नहीं मिला तो आ जा, हमने बाद में जोमेटो से इधर ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया हुआ था, इसको घूमने का रीजन चाहिए रहता है। नहीं, वैसे नहीं, जब हम घूमने जाते हैं तब नहीं निकलेगा ये बात, और अकेले घूमने का ज्यादा शौक चढ़ा रहता है, इसलिए इसको एक रीजन चाहिए रहता है बाहर अकेले घूमने का, इसलिए बात तो सही, मुझे भी वही लग रहा है, हमने बोल दिया ठीक है तू आ जा ऑर्डर कर ले, जब तक ये आया उसके पहले मेरा जोमेटो का ऑर्डर आ चुका हुआ है, ये देखो अभी जस्ट ये पहुंच रहा है यहाँ पे एंड मेरा मिठाई उसके पहले पहुंच चुका है। और ये कपड़ा जो पीछे दिख रहा है इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे ना इग्नोर मार रहा है, अभी कौन इसको निकाले यार, बहुत बोर मारता है हमारा। अभी है ना अर्जुन ने हमें कॉल किया था, बोला कि वो भी आ रहा है, क्योंकि ना उसे भी लैपटॉप देखना बहुत ज्यादा चुल हो रहा था अंदर से, तो बोला कि मुझे भी देखना है, तो अभी आने वाला है गैस पहुंच गया गाइस, ये भी आ चुका हुआ है ऑटो पकड़ के, फाइनली अर्जुन इन द हाउस, तब अर्जुन के साथ होने वाला पार्टी है एंड अर्जुन के लिए हम देने वाले इसको मिठाई। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हाँ ये मस्त हमारे लिए कुछ नहीं, हाँ सही बात है, अर्जुन पार्टी देगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1, 2, 1, 2, 3 एंड 1 मैं हूँ, देखिए वही सही बात है, तुम लोगों ने निकल गया अर्जुन के लिए भी, ये रहा अब इसको भी नाश्ता करेंगे एंड ये देखो तीनों का लैपटॉप लूटअप निकल चुका हुआ है। अबे इसका भी तो मुंह घुमा इधर दिखा जरा आगे से, इसको भी कैसा दिख रहा है ये देखने में, हाँ ये देखो एंड इसका ये भी देख लो, ये भी घुमाई दो, सही है सही है, तीनों का देखो अभी लैपटॉप मस्त चल रहा है यहाँ, देखो हमारे पीजी का फ्री का वाईफाई यूज कर रहा है, अभी भी खत्म कर देगा, हम पीजी वाले के लिए तो बताओ। सो फिलहाल रात हो चुका हुआ है, 8 बज चुके हुए हैं एंड सावन फाइनली खत्म हो चुका है कल का, तो हमने सोचा आज क्यों ना चिकन बनाया जाए, तो अभी हम चिकन बनाने वाले हैं एंड हाँ यहाँ पे एक गेमर आया हुआ है, ये यहाँ पे गेम खेल रहा हुआ है एंड मैं यहाँ पे चिकन की तैयारी कर रहा हूँ, तो चिकन को मैं मैरिनेट करने के लिए रखने वाला हूँ, इसमें नमक मिर्ची एंड हल्दी डाल दिया मैंने, प्याज काट लिया ऑलरेडी, ये मसाले निकाल लिए मैंने यहाँ पे, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत लेट हो चुका हुआ है, मैं फ़ोन को चार्ज में लगाता हूँ एंड जल्दी चिकन बनाता हूँ एंड फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ मैं एक ही बार में, ये थोड़ा ऐसे है।
सो ये रहा गाइस चिकन रेडी हो चुका है, ये रहा मोनू, यहाँ पे आजहर, सो ये रहा अर्जुन। एंड अर्जुन को चिकन तो पसंद नहीं है पर आज मेरे हाथ खा रहा है, तो आज पूछते हैं कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बता। मेरे को लग रहा है वीडियो के लिए तारीफ कर रहा है। एंड ये रहा मेरा थाली। एंड सर मस्त, ये तो वैसे भी नॉनवेज खाता रहता था हफ्ते में 4-5 बार, तो इसको क्या टेंशन है। देखो इसको वही फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाता हूँ मैं। सो फाइनली गाइस हमारा पार्टी पुटी भी सब कुछ हो चुका है, पार्टी का नॉर्मल खाना भी ना खाए वही था हमारा, तो हो गया हुआ है। एंड अब हम जा रहे हैं अर्जुन को छोड़ने के लिए, हॉस्टल से छोड़ने के लिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारा थोड़ा काम चल रहा था मेरे लैपटॉप में, तो ये वाला काम अभी आते हैं हम लोग एंड फिर कंटिन्यू करते हैं। एंड इसको भी छोड़ आते हैं पहले अर्जुन वहाँ पे ऑलरेडी स्कूटी से जा चुका है, हमने उसको लिफ्ट दिलवा दिया है तो वहाँ पे जा चुका हुआ है। तो फाइनली गाइस अर्जुन को भी छोड़ के आ चुके हुए हैं, रात के 11:30 बज रहे हुए हैं। अब मैं कुछ नहीं, थोड़ा फोन चला के रेस्ट करता हूँ। वो देखो गाइस वो रहा मेरा पिज्जा आया हुआ है वहाँ पे, अजहर को मैंने भेजा लेने के लिए, का फोटो खींच रहे हैं। सो ये रहा हमारा ऑर्डर आ चुका हुआ है। फाइनली गाइस आज है ना लैपटॉप को आए हुए 3 दिन हो चुका हुआ है, मेरा जब लैपटॉप आया था उससे अगले दिन मोनू का लैपटॉप आया एंड उसी अगले दिन अजहर का लैपटॉप आया, तो अभी घर में ना कंटिन्यू 3 दिन लैपटॉप हो चुके हुए हैं। पूरा कन्फ्यूजन चल रहा है कि ये किसका लैपटॉप, ये किसका लैपटॉप, ये किसका लैपटॉप है। तो ये चला रहा था तो मेरा लैपटॉप चला रहा है, तू मेरा लैपटॉप चला रहा है, चलता रहता है, फिर देखते अच्छा ठीक है चल, नहीं मेरा नहीं होगा, उसका लैपटॉप होगा, ऐसा हो चुका हुआ है। ये रहा यहाँ पे पिज्जा जो कि अभी जस्ट आया हुआ है। एंड ये रहा अजहर का लैपटॉप जो कि ये चला रहा है, ये मेरा लैपटॉप जो यहाँ पे चल रहा था, एंड वहाँ पे मोनू का लैपटॉप में ना मस्त वाला फिल्म देख रहा हुआ है। मेरा लैपटॉप आया एंड फिर इनका भी कंटिन्यूसली आ गया, लगता है ये लोग मेरा ही वेट कर रहे थे कि ये पहले ले ले, खराब रहा कुछ रहा तो हम नहीं लेंगे, ये फंस गया हो गया ठीक। मेरा एक्चुअली ना कल प्रेजेंटेशन है तो मैं वही देख रहा था, मैंने बना लिया अपना PPT एंड कल प्रेजेंटेशन देना है। तो ये रहा पिज्जा, मेरे को जो पिज़्ज़ा चाहिए था ना वो अभी मैंने देखा तो वो है ना दुकान ही बंद कर दिया था, तो मैं बोला जो अवेलेबल है एंड मेरे को ज़्यादा महंगा चाहिए भी इतना सस्ते में जो था, मैं बोला चलो वही मंगा लेते, तो मैंने ये वाला पिज़्ज़ा मंगाया जो कि अब टेस्ट के बाद ही पता चलेगा पता नहीं कैसा होने वाला है। ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ मिलता हूँ बहुत जल्द अगले व्लॉग में, तो के लिए बाय बाय, मैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, वीडियो को लाइक जरूर करना, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड गाइस।